दोस्तों, क्या आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जीमेल अकाउंट को रिकवर करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीमेल अकाउंट को रिकवर कैसे करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, अब ये जो दोस्तों जीमेल अकाउंट आप रिकवर करना चाहते हो, मैं आपके यहाँ पर दो स्टेप में आपको बताने वाला हूँ। आप यहाँ पर कौन सा भी एक स्टेप फॉलो करके आप अपने जीमेल अकाउंट को रिकवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको अपने जो मोबाइल फ़ोन का जो डेटा यानी इंटरनेट है उसको यहाँ पर आपको ऑन करना है। अब इसको यहाँ पर ऑन करने के बाद अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे भी आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग्स ओपन करने के बाद अब आपके यहाँ पर क्या करना है, नीचे आना है। जैसे भी आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर एक नीचे में गूगल का बटन आपको देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपके यहाँ पर क्या करना है, उस गूगल वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अब मान लो जैसे भी आप गूगल वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब वो गूगल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आपके यहाँ पर फिर से ऊपर के साइड में 3 डॉट देखने को मिलते हैं। तो जैसे कि आपके यहाँ पर क्या करना है, उस 3 डॉट पे क्लिक करना है। अब उस 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब इन तीनों में से आपको हेल्प वाले बटन पर क्लिक करना है। अब मान लो जैसे आप हेल्प वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब ये हेल्प वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पर क्या करना है, फिर से आपके यहाँ पर नीचे में सर्च हेल्प ये वाला आपको बटन देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपके यहाँ पर क्या करना है, ये सर्च हेल्प वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब इस बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पर क्या टाइप करना है वो आप यहाँ पर ध्यान से देख लेना। तो जैसे कि आपके यहाँ पर क्या करना है, लॉस्ट और स्टोलन फ़ोन, आपके यहाँ पर इतना टाइप करके नीचे आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक करना है। अब मान लो जैसे आप नीचे यहाँ पर सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब ये नीचे सर्च वाले बटन पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पर ऊपर के साइड में देख सकते हो फिक्स कॉमन इश्यू विथ 2-स्टेप वेरिफिकेशन, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। अब इस बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हो रिकवर योर अकाउंट, आपको इस बटन पर क्लिक करना है। अब इस बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अब इन दोनों ऑप्शन में से फिर से क्या करना है आपको, टिप्स टू कंप्लीट अकाउंट रिकवरी स्टेप, आपको इस बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे भी आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, अब इस बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पर फिर से क्या करना है, अकाउंट रिकवरी पेज, आपको इस पेज पर क्लिक करना है। जैसे भी आप पेज पर क्लिक करेंगे, पेज पर क्लिक करने के बाद अब दोस्तों सीधा आपको ये रीडायरेक्ट अपने क्रोम ब्राउज़र में आपको लेकर जाएगा। तो अब आपके यहाँ पर क्या करना है, आप यहाँ पर नीचे में देख सकते हो ईमेल और फ़ोन, आपको इस बॉक्स पे क्लिक करना है। इस बॉक्स पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों आप जिस भी जीमेल अकाउंट को रिकवर करना चाहते हो उस जीमेल अकाउंट के यहाँ पर आपको डाल देना है। तो जैसे कि जो मेरा यहाँ पर जीमेल अकाउंट है, मैं उस जीमेल अकाउंट को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। अब उस जीमेल अकाउंट को यहाँ पर डाल देने के बाद दोस्तों फिर से आपके यहाँ पर नीचे में नेक्स्ट का बटन आपको दिया जाता है। तो जैसे कि अब आपके यहाँ पर क्या करना है, उस नेक्स्ट वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा पासवर्ड फिल करने को बोल रहा है। अब मान लो दोस्तों आपके यहाँ पर पासवर्ड पता नहीं है, अब आपके यहाँ पर क्या करना है, फिर से आपके यहाँ पर नीचे में ट्राई अनदर वे, आपको इस बटन पर क्लिक करना है। अब मान लो जैसे आप ट्राई अनदर वे पर क्लिक करेंगे, अब आपके यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, नीचे आना है। जैसे भी आप यहाँ पर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपके यहाँ पर नीचे में गेट अ वेरिफिकेशन कोड, यानी आपके यहाँ पर नीचे में दो आपको लास्ट के 2 डिजिट आपको नंबर दिखाई देते हैं। अब उस नंबर पे आपको एक कोड आएगा, यानी 6 अंकी कोड आएगा, उस कोड को आप यहाँ पर फिल करके आप अपने यहाँ पर जीमेल अकाउंट आप रिकवर कर सकते हो। अगर मान लो आप यहाँ पर अपना नंबर फिल नहीं करना चाहते हो, जैसे भी आप यहाँ पर आई डोंट हैव माई फ़ोन पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों अब आपके सामने कूल डोंट साइन यू इन, ये आपके यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपके यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, नीचे में आपको टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है।
तो जैसे कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ, अब जैसे मैं यहाँ पर टेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक कर चुका हूँ दोस्तों, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कुछ सेकंड वेट करता हूँ। अब मान लो जैसे आप कुछ सेकंड वेट करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो ऊपर के साइड में यहाँ पर कोड आ चुका है। तो जैसे कि आपको उस कोड को यहाँ पर क्या करना है, कॉपी करना है। अब उस कोड को कॉपी करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना है इंटर द कोड, आपको इस कोड को यहाँ पर पेस्ट करना है। अब इस कोड को पेस्ट करने के बाद दोस्तों फिर से आपके यहाँ पर एक नीचे में नेक्स्ट का आपको बटन दिया जाता है। तो जैसे कि आपको ये नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब मान लो जैसे आप इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब इस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से दोस्तों अब आपके सामने कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखाई देता है, यानी जो ये जीमेल अकाउंट है, ये जीमेल अकाउंट आपका यहाँ पर रिकवर हो चुका है। अब आपके यहाँ पर नीचे में दो बटन आपको दिखाई देते हैं, अब इन दोनों बटन में से आपके यहाँ पर क्या करना है, अपडेट पासवर्ड आपको इस बटन पे क्लिक करना है। आप चाहे तो कंटिन्यू भी कर सकते हो, यानी अपडेट पासवर्ड पे आप क्लिक करते हो तो आपके यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, एक अच्छा सा आपको नया पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। अब आपको यहाँ पर ओल्ड पासवर्ड को नहीं डालना है, अच्छा सा आपको एक नया पासवर्ड को क्रिएट करना है। नया पासवर्ड क्रिएट करने के बाद फिर से आपके यहाँ पर नीचे में सेव पासवर्ड वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे आप मान लो सेव पासवर्ड वाले बटन पर क्लिक करेंगे, अब ये जो आपका जीमेल अकाउंट है, ये जीमेल अकाउंट आपके यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला स्टेप, अब मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरा स्टेप। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अभी दूसरे स्टेप की तरफ। अब दोस्तों अब आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जीमेल ऐप को ओपन करना है। अब मान लो जैसे भी आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जीमेल ऐप को ओपन करेंगे, जीमेल ऐप ओपन करने के बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखाई देता है। तो अब आपको ऊपर के साइड में एक प्रोफाइल का बटन देखने को मिलेगा, तो जैसे कि दोस्तों उस प्रोफाइल वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब मान लो जैसे भी आप उस प्रोफाइल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब उस बटन पे क्लिक करने के बाद अब आपके मोबाइल फ़ोन में जितने भी सारे जीमेल अकाउंट्स लॉगिन है, वो सारे जीमेल अकाउंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब आपके यहाँ पर नीचे में ऐड अनदर अकाउंट ये वाला आपको बटन देखने को मिलता है। तो जैसे कि आपको इस बटन पे क्लिक करना है, अब इस बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाता है। अब ये नया पेज ओपन होने के बाद अब दोस्तों आपको यहाँ पर फिर से ऊपर के साइड में क्या करना है, गूगल वाले बटन पे क्लिक करना है। अब मान लो जैसे भी आप गूगल वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब वो गूगल वाले बटन पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पर जो भी लॉक स्क्रीन का पासवर्ड है, उस पासवर्ड को आपके यहाँ पर क्या करना है, फिल करना है, यानी उस पासवर्ड को आपको डाल देना है। अब उस पासवर्ड को डालने के बाद फिर से आपके सामने कुछ ऐसा नया पेज ओपन होकर आ जाता है। अब ये नया पेज ओपन होकर आने के बाद अब दोस्तों आपके यहाँ पर क्या करना है, अब आपके यहाँ पर ईमेल और फ़ोन आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पर क्या करना है, अब जिस भी जीमेल अकाउंट्स को लॉगिन करना चाहते हो, यानी रिकवर करना चाहते हो, उस जीमेल अकाउंट को यहाँ पर आपको डाल देना है। तो जैसे कि जो मेरा यहाँ पे जीमेल अकाउंट्स है, मैं उस जीमेल अकाउंट को मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों मेरा जो यहाँ पे जीमेल अकाउंट है, मैं उस जीमेल अकाउंट को मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। अब उस जीमेल अकाउंट को यहाँ पर डाल देने के बाद फिर से आपके यहाँ पर एक नीचे में नेक्स्ट का बटन आपको दिखाई देता है। तो जैसे कि आपको उस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है, अब उस नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने कुछ ऐसा आपको नया पेज देखने को मिलता है। अब दोस्तों ऐसा नया पेज आपको देखने को मिलने के बाद अब आपके यहाँ पर क्या करना है, नीचे में आपको फॉरगेट पासवर्ड ये वाला आपको बटन देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आपको इस फॉरगेट पासवर्ड वाले बटन पे आपको क्लिक करना है। अब मान लो फॉरगेट पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब उस बटन पे क्लिक करने के बाद फिर से आपके सामने कुछ ऐसा आपको इंटरफेस आपके सामने दिखाई देता है। अब ऐसा इंटरफेस दिखाई देने के बाद अब आपके यहाँ पर क्या करना है, कुछ सेकेंड आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब मान लो जैसे आप कुछ सेकेंड यहाँ पर वेट करते हैं, कुछ सेकेंड वेट करने के बाद फिर से आपके सामने वेलकम बैक का एक आपको पेज यहाँ पर देखने को मिलता है, यानी ये जो आपका जीमेल अकाउंट है,
ये जीमेल अकाउंट आपका यहाँ पर रिकवर हो जाएगा। अब ऐसा पेज आपको देखने को मिलने के बाद दोस्तों, नीचे में आपके यहाँ पर क्या दिखाई देता है, नीचे में आपको दो बटन यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं, यानी अपडेट पासवर्ड और कंटिन्यू। अब इन दोनों बटन में से आपके यहाँ पर क्या करना है, कंटिन्यू पे आपको क्लिक नहीं करना है, यानी आपको अपडेट पासवर्ड आपको इस बटन पर क्लिक करना है। अब मान लो जैसे आप अपडेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे, अब ये अपडेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद अब आपके यहाँ पर क्या करना है, आपके यहाँ पर ऊपर के साइड में दो बॉक्स आपको दिए जाते हैं, इन दोनों बॉक्स में आपको एक अच्छा सा नया पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ये जो आपका जीमेल अकाउंट का ओल्ड पासवर्ड था, उस ओल्ड पासवर्ड को आपको यहाँ पर फिल नहीं करना है, यानी आपको नहीं डालना है, यानी आपको नया पासवर्ड आपको फिल करना है। अब जैसे आप दोनों बॉक्स में नया पासवर्ड फिल करेंगे, नया पासवर्ड फिल करने के बाद फिर से आपके यहाँ पर नीचे में आपको सेव पासवर्ड पे क्लिक करना है। अब मान लो जैसे आप सेव पासवर्ड वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अब ये जो आपका जीमेल अकाउंट है, ये जीमेल अकाउंट आपके मोबाइल फ़ोन में लॉगिन होके आ जाएगा, यानी रिकवर होके आ जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपको भी क्या करना है, आपको भी कुछ इसी तरीके से इस वीडियो को फॉलो करके आप भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर जीमेल अकाउंट्स को रिकवर कर सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको यह कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके बता देना। तो हम मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।